जब काम धंधे का एक्सपीरियंस नहीं था तब तो काम खूब हो रहा था, पर आज एक्सपीरियंस भी है, इतना टाइम काम करते हुए भी हो गया, परंतु अब तो व्यापार उल्टा घट रहा है जबकि बढ़ना चाहिए था। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि मेहनत तो हो गई है चार गुना पर व्यापार रह गया है चौथाई, और ऐसी परेशानी लगातार आपके संग बनी हुई है कि जितना समय बीतता जा रहा है व्यापार को उतना ही ज़्यादा व्यापार नीचे की ओर जा रहा है, यदि ये सब समस्याएं आपके साथ भी आ रही हैं तो कर लीजिए यह उपाय। यह वीडियो खास आप ही के लिए है, समझिए इस उपाय को और जानिए कि किस प्रकार इस उपाय को कर लेने के बाद आपको व्यापार में आ रहे लगातार नुकसान को ख़त्म करने, व्यापार को ऊपर ले जाने और साथ ही साथ जो भागता हुआ पैसा है कि आता नहीं है पर चला जाने के रास्ते पहले से ही तैयार हो गए हैं, इस सबको दूर करने के लिए क्या उपाय कर लेना चाहिए, इसके लिए यह वीडियो, तो वीडियो अंत तक अवश्य देखें और यह चैनल भविष्य नक्षत्र नीचे जाकर सब्सक्राइब अवश्य कर दें। दुकान या व्यापार जब किया था तब कोई एक्सपीरियंस नहीं था, परंतु उसके बावजूद भी व्यापार दिन दिन करके बढ़ रहा था, जो कि अब हर दिन यह लगता है कि कल से कम ना हो जाए काम, क्योंकि हर दिन लगातार घटता व्यापार देख के अब आप परेशान हो गए हैं। मित्रों, इस प्रकार का यदि आप समस्या बार बार फील कर रहे हैं तो यह उपाय कर लीजिए। उपाय क्या है? बहुत ही छोटा सा उपाय है, कर लेना चाहिए आपको। घर के मंदिर में जहाँ पर भी लक्ष्मी जी विराजमान हैं आपकी, यदि मूर्ति रूप में है तो मूर्ति रूप में, और यदि फोटो के रूप में है तो वहाँ पर ही कर लें यह उपाय। करना क्या है मित्रों, एक छोटी सी प्लेट थाली ले लेनी है आपको, सिल्वर रंग की या फिर स्टील की एक छोटी सी आपको प्लेट ले लेनी है, और करना यह है मित्रों कि दो चीज़ें ले लेनी है आपको। उस प्लेट के ऊपर एक एक रुपये का सिक्का रखना है, उस सिक्के के ऊपर आपको रखनी है रोली, लाल रंग की रोली जो माता को चढ़ाई जाती है, वह सिंदूर या रोली आपको रख लेनी है उस सिक्के के ऊपर, और उस सिक्के के ऊपर जो रोली है उसके अंदर आपको कपूर को रख देना है। जी हाँ, जिस कपूर से आप पूजा किया करते हैं वह कपूर रख देना है। इस कपूर को पूरी तरह इस प्रकार जलाना है कि रोली पूरी तरह जलकर एक भस्म बन जाए, और आपको इस प्रकार का उपाय कर लेना है शुक्रवार के दिन। यदि शुक्ल पक्ष का शुरुआत शुक्रवार आप चुन लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं तो किसी भी शुक्रवार के दिन, क्योंकि शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी का ही है। तो आपको यह उपाय कर लेना है कि एक स्टील की प्लेट ले लेनी है, उसके ऊपर एक रुपये का सिल्वर रंग का सिक्का रख लेना है, और उसके ऊपर रोली और कपूर से उस रोली को जला लेना है, भस्म बना लेनी है, और यह सिक्का और रोली का भस्म अब आपको एक छोटे से लाल कपड़े में बांध लेना है, एक छोटी सी पोटली बना लेनी है, और इस पोटली को लेकर जाना है आपको अपने व्यापार की, अपनी दुकान की तिजोरी अथवा गल्ले में रखने के लिए। आज ही के दिन यानी कि शुक्रवार के दिन आप जिस दिन आपने यह उपाय किया है, इस भस्म को आप लेकर जाएं और अपनी तिजोरी अपने गले में जहां आपका धन आया करता है, जहां आप अपने पूरे दिन की सेल को रखा करते हैं, वहां रख देना है इस पोटली को, और अब आप देखेंगे कि दिन दिन घटता व्यापार कैसे दिन दिन करके दोबारा चढ़ने लगता है, उस तरह जिस तरह आपने व्यापार की शुरुआत की थी तब चढ़ रहा था, या तब भी नहीं चढ़ रहा था तो अब चढ़ेगा मित्रों, ऐसा माँ लक्ष्मी से आप प्रार्थना करें। मित्रों, आपका काम बन जाए तो जय माँ लक्ष्मी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। बस इतना ही कर लेना है मित्रों, और फायदा मिल जाए तो धन्यवाद के रूप में सिर्फ जय माँ लक्ष्मी कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि आपके कोई प्रश्न है व्यापार को लेकर, धन को लेकर, सेहत को लेकर, तो मुझसे इस व्हाट्सएप नंबर पर भी पूछ सकते हैं, और लगातार बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें मित्रों। लाइक करें इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन मित्रों के साथ जिनको इसकी अधिक आवश्यकता है। आज के वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद मित्रों, ओम नमः शिवाय।